नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं रितुल जोशी। राजेश खन्ना अलविदा तो कह गए, लेकिन किसी भी फैन के दिल में आप झांक के देख लीजिए, आंखों में पढ़ के देख लीजिए, राजेश खन्ना की यादें आपको बिल्कुल ताजा नजर आ जाएंगी। और अगर राजेश खन्ना को कोई चीज उनके फैंस के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगी तो वो है उनकी फिल्मों के बेहतरीन गाने। उनके स्टारडम में कहा जाता है कि उनकी फिल्मों के गाने का उतना ही बड़ा रोल था जितना उनकी अदाकारी का, उनकी अदाओं का और उनके उस करिश्मा का जिसका नाम ही दे दिया गया था सुपरस्टार। राजेश खन्ना को याद करने के लिए आज हमने एक बहुत अनोखा तरीका ढूंढा है, क्योंकि हम राजेश खन्ना को अब याद करेंगे पूरे एक घंटे तक उनके बेहतरीन गानों के जरिए, उनके सुपरहिट सॉन्ग्स के जरिए। और इस सफर में हमारे साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अभिजीत, जो कि खुद किशोरदा के फैन भी हैं, राजेश खन्ना के भी, और वो खास तौर पर अपनी पसंद के गाने हमारे लिए लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत आपका। चलिए शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल जर्नी की। पहला गाना, हालांकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है राजेश खन्ना के कोई भी एक गाने को पिन पॉइंट कर पाना, लेकिन आपसे हम आपकी पसंद के बारे में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक राजेश खन्ना के सुपरहिट सॉन्ग्स की। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, हमेशा के लिए दुनिया से दूर, बहुत दूर चला गया हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार। बॉलीवुड के आनंद की जिंदगी का सफर बहुत सुहाना था, लेकिन उसकी अंतिम विदाई पर पूरा जमाना गमगीन था। आखिरी सफर में साथ दे रहे हजारों लोगों की आंखें नम थी। किसी ने क्या सोचा था कि उनका सबसे पसंदीदा सितारा इतनी जल्दी सिर्फ 69 साल की उम्र में उन्हें यूं छोड़ जाएगा। वक्त हो रहा था 10:20 का, जब आशीर्वाद से आनंद का आखिरी सफर शुरू हुआ। फूलों से सजी गाड़ी पर राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। काका का शरीर फूलों की सैकड़ों लड़ियों से लिपटा था। शायद हजारों फूल भी अपनी किस्मत पर इतरा रहे होंगे कि आखिरी वक्त पर ही सही उन्होंने इस सुपरस्टार को सबसे करीब से निहारा है। घर के बाहर घंटों पहले से सैकड़ों प्रशंसक अपने सुपरस्टार की आखिरी झलक पाने के लिए बेताब थे। माहौल इतना गमगीन था कि आसमान भी इस घड़ी में आंसू बहा रहा था और शायद बारिश के बहाने ही सही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उनके घर कार्टर रोड से विले पार्ले तक की दूरी में सड़कों पर हजारों लोगों का ये हुजूम काफी कुछ बयां कर रहा था। राजेश खन्ना के लिए लोगों का प्यार, उनकी दीवानगी, उनका स्नेह इन सड़कों पर इसी कदर उमड़ रहा था। कोई हाथों में काका के पोस्टर थामे खड़ा था तो कोई बॉलीवुड के इस पहले सुपरस्टार की तस्वीर को हाथों में लेकर उन्हें विदाई दे रहा था। इसी रोड से राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी और रिपोर्टिंग करते करते मैं भी उस यात्रा का हिस्सा बन गया था। तेज बारिश की परवाह किए बगैर हजारों की संख्या में फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को अंतिम विदाई दे रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई हाथों से उनको अलविदा कह रहा था। तब यूं लगा कि राजेश खन्ना का निधन नहीं हुआ है, बल्कि वो तो हमेशा हमेशा के लिए अपने फैंस के दिलों में अमर हो गए। खुली गाड़ी में राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार, उनके बेटे आरव और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया मौजूद थी। बारिश के बावजूद हजारों की भीड़ गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। बांद्रा से विले पार्ले तक उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा था। काका को श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ को संभालना तक मुंबई पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। हल्ला हो चुका है, पुलिस वाले इस जो क्राउड है इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। और अब ये देखना है कि ये जो आखिरी सलाम है ये काफी खास है। विले पार्ले में कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका था। चंद किलोमीटर की दूरी को तय करने में करीब 25 मिनट का वक्त लग गया। हिंदी सिनेमा के इस सबसे पहले सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड के तमाम दिग्गज और छोटे कलाकार विले पार्ले के पवनहंस शमशान भूमि पहुंचे थे। दोपहर के करीब 11:15 शमशान भूमि में राजेश खन्ना के नाती आरव ने अपने नाना को मुखाग्नि दी।
आसपास कई करीबी लोग नम आंखों के साथ मौजूद थे और देखते ही देखते हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। शरीर तो विलीन हो गया लेकिन दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए राजेश खन्ना नाम की शख्सियत जिंदा रहेगी, कभी ना मरने के लिए। धीरज जुनेजा, सिद्धार्थ हुसैन और रश्मा मनोहर शेट्टी के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। और काका की यादों के साथ साथ उनके तमाम फैंस के दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे उनके वो बेहद खूबसूरत गाने जिन्होंने उनको सुपरस्टार बनाने में एक बहुत बहुत अहम किरदार निभाया। हमारे साथ जैसे हमने आपको बताया हमारे बेहद खास मेहमान इस शाम के मौजूद हैं, गायक अभिजीत, जो अपने अंदाज में अपने ढंग से काका को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं उन्हीं के गानों के जरिए। स्वागत है अभिजीत एक बार फिर से आपका। अगर फेवरेट सॉन्ग्स की अगर हम बात करें राजेश खन्ना की, तो शायद जितने खूबसूरत गाने उनको मिले अपने पूरे करियर में बहुत कम स्टार्स को मिले, लेकिन अगर हम आपसे पूछें आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, आप कौन सा गाना कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि उनको सबसे अच्छे गाने मिले, मैं कहूंगा कि उनकी वजह से उनपे जो गाने पिक्चराइज हुए उस वजह से शायद गाने बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि गाने बहुत से अच्छे बनते लेकिन हर गाना हर एक पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भी मीनिंगफुल और अच्छे ग्रेट सॉन्ग्स बने तो वो काका के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ, राजेश खन्ना के लिए ही हुआ और वो एक उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन के रह गया, जो हिस्सा हमारी जिंदगी में भी शामिल हो गया। मैं चाहता हूं कि ये जो यात्रा मैं देख रहा हूं उनकी अंतिम यात्रा, और उससे उस समय मुझे दिल में जो फील होता है मैं उसको बयां कर सकता हूं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं कोई जाना नहीं कोई जाना नहीं। बहुत खूब, और वाकई शायद ये गाना राजेश खन्ना पर इस कदर फिट बैठता है क्योंकि उनकी जिंदगी का जो सफर था शायद उन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी बुलंदियां, उसके बाद फिर बीच में गुमनामी और जब बीमार हुए तो फिर वही फैंस वापस जिंदगी में दोबारा लौट आए। आनंद यानी राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि तो हम दे रहे हैं लेकिन आनंद हमेशा हंसता मुस्कुराता ही रहा और हंसते मुस्कुराते विदा भी हो गया, इसीलिए वो तस्वीर हम दिलों में अपने बरकरार रखना चाहते हैं और खास तौर पर
गायक अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं जो संगीत के जरिए अलविदा कह रहे हैं राजेश खन्ना को। अभिजीत, अगर हम राजेश खन्ना के जो पूरा उनका बॉडी ऑफ सॉन्ग्स है जो उनके ऊपर फिल्माए गए, तो हर मूड हर रंग के गाने उनके ऊपर हमने देखे, एंड स्पेशली रोमांटिक नंबर्स में शायद उनका कोई मुकाबला ही नहीं होता था। वो पलके झपकाना, वो मुस्कुराना, या फिर गर्दन उनकी टेढ़ी कर देना, और एक जो गाना था जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो तो बिल्कुल अल्टीमेट मस्ती का एंथम बन गया था। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए वो आप गाएं, और आप उस गाने को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। मैं एक राजेश खन्ना के लिए मैं खुद ही एक इंसाइक्लोपीडिया हूं। सिर्फ उनके जो जो गाने मुझे अच्छे लगते हैं, राजेश खन्ना का ये जो गाना अगर जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, तो ऐसा लगता था जैसे अपने बारे में ही बोल रहे हैं, और हर एक ये दूसरे आएंगे, ये एक जिंदगी सफर का एक अलग अंदाज जी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इडलरी इडलरी ओ, इडलरी उडलरी ओ, इडलरी इडलरी ओ, इडलरी ए, इडलरी इडलरी ओ, इडलरी उडलरी ओ, इडलरी उडलरी ओ, इडलरी ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हा हा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उडलरी उडलरी ओ, उडलरी उडलरी ओ, उडलरी उडलरी ओ, उडलरी ओ, उडलरी उडलरी ओ, उडलरी उडलरी ओ, उडलरी उडलरी ओ, उडलरी ओ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल। राजेश खन्ना की अदाएं, किशोर दा की आवाज, हसरत जयपुरी के लिरिक्स और शंकर जयकिशन का संगीत। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आखिरी गाना था जिसे जयकिशन जी ने कंपोज किया था, और इसके बाद वो नहीं रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश जारी है, और साथ ही बने रहेंगे अभिजीत भी। म्यूजिकल ट्रिब्यूट, एक संगीतमय श्रद्धांजलि राजेश खन्ना को हम दे रहे हैं, क्योंकि उनके गाने उनके करियर की जान थे। और हमारे साथ स्टूडियो में खास तौर पर मुंबई से जुड़े हुए हैं जाने माने गायक अभिजीत। अभिजीत, जब भी हम याद करते हैं राजेश खन्ना के गानों को, तो फिर किशोर कुमार का साथ में नाम आना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। ऐसा लगता था मेड फॉर ईच अदर है दोनों। यस, जब तक राजेश खन्ना नहीं थे तो किशोर कुमार वॉज ग्रेट एक्टर, ग्रेट कॉमेडियन एंड अ सिंगर टू, जबकि उन्होंने देव साहब के लिए भी गाया था काफी गाने। लेकिन राजेश खन्ना, जैसे इंतजार हो रहा था कि कब राजेश खन्ना जैसे एक सुपरस्टार आएंगे और एकदम से एक किशोरदा की आवाज एक फेनोमेना की तरह आएगी, ये कॉम्बिनेशन। सो दैट इज बिल्कुल सही बात है, और मैं चाहता हूं कि इस समय एक ऐसा मीनिंगफुल गाना, जो गाने शायद राजेश खन्ना के लिए ही बने, और राजेश खन्ना ने इन गानों के जरिए लोगों को कुछ कहना चाहा कि रोमांस सिर्फ पेड़ पौधे के नीचे और एक साथ घूम के और दौड़ के नहीं होता, रोमांस का मतलब ऐसा भी होता है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर
करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूह करस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, तस्वीर बनाए क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता आंचल का तेरे तार। हम सीधे आपको मुंबई ले चलते हैं जहां हमारे साथ गायक अभिजीत जुड़े हुए हैं और बात हम अभिजीत से कर रहे थे राजेश खन्ना के सुपरहिट सॉन्ग्स की। अभिजीत, वैसे तो आप राजेश खन्ना के गाने सोचते हैं तो आप किशोर कुमार सोचते हैं, लेकिन आनंद के कुछ बहुत बेहतरीन गाने मुकेश की आवाज में थे और वो आवाज भी ऐसा लगता था कि जैसे राजेश खन्ना के लिए ही बनी है। राजेश खन्ना जिस भी गाने को गाते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ सिंगर, हाँ किशोरदा तो बने ही थे राजेश खन्ना किशोर कुमार मेड फॉर ईच अदर, लेकिन मुकेश जी के गानों में जो दर्द था उसके लिए भी कुछ इसी तरह का एक सुपरस्टार चाहिए जिसकी चेहरे से, जिसके एक्टिंग से कुछ इस तरह की चीजें भी झलके। तो मुझे लगता है कि जितनी बार मुकेश जी को यूज किया गया राजेश खन्ना साहब के लिए, राजेश खन्ना जी ने उनको बखूबी से निभाया। कहीं दूर जब दिन ढले जाए, सांझ की दुल्हन बदल चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे तब यूं ही आंखें। कहीं यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे तब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के, छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़ गए हैं अभिजीत स्टूडियो में, वो हैं जाने माने एक्टर, खासतौर पर भोजपुरी फिल्मों में तो वो अपना बहुत ज्यादा नाम कमा चुके हैं, रवि किशन जी भी इस वक्त यहाँ पर है। रवि किशन जी, हम यहाँ पर राजेश खन्ना के सबसे हिट सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, आपका फेवरेट नगमा कौन सा है उनका? राजेश खन्ना जी के ऐसा कौन सा गाना उस समय का, उस दौर का, जो 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 दिल को न छुआ हो, जो हम कलाकारों की कौम को अभी भी जीवित न किया हो, वो कुदरत है, वो आनंद सिनेमा हो, आराधना हो,
इस वक्त हम उनके गाने पे अपने अगले शो में वो परफॉर्मेंस भी देने जा रहे हैं, राजेश खन्ना जी को पूरा एक डेडिकेट श्रद्धांजलि के रूप में करने जा रहे हैं। तो भीगी भीगी रातों में वो गाना वो उस पर जा रहे हैं, वेरी सैड, मतलब उनके गाने से हम लोग जिए, उनके गाने से जीते रहेंगे। काका जी के सारे गाने, वो 15 सिल्वर जुबली का जो एक दौर था, वो उस संगीत भी था, एक परफॉर्मेंस भी थी, वो दीवानगी भी थी, एक ऐसा अद्भुत चेहरा भी था। इट्स क्वाइट शॉकिंग, ऐसा लग रहा है कि कैसे ये सब हो गया एक सुपरस्टार। लास्ट 2 साल पहले उनसे एक मुलाकात थी हमारी, जब वो एक फिल्म की आखिरी फिल्म की, जो कि एक फिल्म छोटी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि तुम अपने इलाके के सुपरस्टार हो, रवि जानते हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की कि मॉरिशस में पहली बार गया सौतन लेके, वहाँ भोजपुरी लोग बहुत हैं। और रवि किशन जी, जो एक बात आप कह रहे हैं ना, वो वाकई बहुत पते की बात है कि जो एक कॉम्बिनेशन था कि संगीत भी उतना ही बेहतरीन था, लिरिक्स उतने ही खूबसूरत थे, आवाज और फिर उस आवाज का चेहरा राजेश खन्ना। वैसे जब हम उनके गानों की बात करें, अगर हम किशोर दा को याद करते हैं, तो किशोर, आरडी और साथ में राजेश खन्ना, ये जो ट्रायो था, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन था, ये तो बिल्कुल इसको कहना चाहिए गजब ढाने वाला था। अभिजीत, हम चाहेंगे कि आरडी और किशोर के कॉम्बिनेशन वाला एक गाना आप यहां पर गाएं हमारे दर्शकों के लिए, राजेश खन्ना का। ये एक ऐसा दौर था जब शायद राजेश खन्ना को एक क्लासिकल रूप में आना था, किशोरदा के लिए एक चैलेंज था कि एक क्लासिकल बेस गाना, और पंचमदा जो पेपी नंबर्स के लिए फेमस थे उनको भी एक क्लासिकल अंदाज में आना, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके होता है। अगर कहा जाए कि ये एक ही कॉम्बिनेशन बनता है तीनों का मिलके, दैट इज द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेटेस्ट म्यूजिक एवर, अमर प्रेम, अमर संगीत, अमर गीत। बिल्कुल। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए, पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते, दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, चिंगारी चिंगारी। राजेश खन्ना को याद कर रहे हैं उनके गाने के जरिए, और सफर में हमारे साथ बने हुए हैं अभिजीत। अभिजीत, अगर राजेश खन्ना को हम देखें तो जितने बड़े वो स्टार थे उससे भी बड़ा उनका ऑरा था, लेकिन वो बिल्कुल अपने ढंग से अपने तरीके से जिए, लोगों की परवाह उन्होंने नहीं की, इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है जो गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, शायद उन्हीं की जिंदगी का फलसफा था। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप, इसीलिए मैं भी थोड़ा बहुत उनके और किशोरदा के रास्ते पे चलता हूं कि जो भी है हमारे अंदर, जो भी है सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, और जैसा एक डायलॉग है, आनंद कभी मरता नहीं,
तो इस तरह से जब इंसान राजेश खन्ना के रूप में जन्म लेता है तो राजेश खन्ना हमेशा रहता है, राजेश खन्ना कभी मरते नहीं है। खैर जाने दीजिए दूसरों बातों को, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजेश खन्ना के तमाम वो दिन वो लम्हे जिन पर लोगों का बचपन बीता है, पूरी जनरेशन बीती है, वो कहीं आंखों के सामने है। हमारे साथ रवि किशन भी जुड़े हुए हैं। रवि किशन जी, जब राजेश खन्ना की बात करते हैं तो पहले सुपरस्टार की बात करते हैं, और आपको क्या लगता है उनके स्टारडम में ऐसी क्या चीज थी जो उनसे पहले कोई कभी अचीव नहीं कर पाया? सुनने की लिपस्टिक भर जाती थी उनकी गाड़ी, उनको देखने के लिए दीवानगी होती थी, उनकी आंखों को उनका नशा, वो चेहरे का जो नशा था, सुपरस्टार शब्द मतलब 15 फिल्में एक साथ, सिल्वर जुबली, उनके बंगले के बाहर मतलब स्टैंपिंग हो जाता था, गाड़ियां मैडनेस, उनके बारे में जितना कहे मतलब कम है। सुपरस्टार का शब्द वहां से शुरू हुआ, सुपरस्टार का जन्म वहां से हुआ, हिंदुस्तान ही तस्वीरों से लोगों ने उनके शादियां की। हाँ, और उसी बिल्कुल वही बात, जिस मैडनेस, जिस जुनून की बात आप कर रहे हैं, उसी मैडनेस, उसी जुनून को हम जी रहे हैं अभिजीत के जरिए, जो हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और अभिजीत बने रहेंगे हमारे साथ। हमारी इस खास पेशकश में राजेश खन्ना की यादों को हम जी रहे हैं उनके संगीत, उनके सुपरहिट गानों के जरिए, और इस सफर में हमारे साथ हैं अभिजीत। अभिजीत, चूंकि हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर इस शो के पहुंच चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक कोई आप ऐसा गाना इस वक्त हमें राजेश खन्ना का सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब है। जैसा रवि किशन जी हमारे मौजूद हैं, उन सबकी तरफ से, पूरे फ्रेटर्निटी की तरफ से, सिर्फ ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, यही सिर्फ राजेश खन्ना की फैमिली नहीं, राजेश खन्ना की फैमिली बहुत बड़ी है, पूरे वर्ल्ड में उनके चाहने वाले कितने लोग हैं जो शायद आज से 20 साल 25 साल पहले राजेश खन्ना के साथ शादी कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम राजेश खन्ना रख दिया, कुछ उन्होंने प्यार से काका रख दिया। पूरी फ्रेटर्निटी और पूरे वर्ल्ड में जितने राजेश खन्ना की फैमिली है, उनकी तरफ से काका, हमें तुमसे प्यार किसे, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहां तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार